हेलो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं टू मेन ए एंड बी ईच वर्किंग अलाउन बाय वर्किंग ट्वेल्व आवर्स पर डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन ट्वेंटी डेज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ़ द वर्क इट वाज़ डिसाइडेड दैट ए एंड बी वुड बी वर्किंग फॉर एट एंड सिक्स आवर्स पर डे रेस्पेक्टिवली ऑन

वो अकेले अकेले काम करता है तो 12 घंटे पर डे के हिसाब से वो 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है ठीक है हर एक मतलब कि टू मेन है जो कि ईच वर्किंग अलाउन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्किंग अलाउन मतलब कि हर एक अकेले अगर काम करता है बारह घंटे प्रतिदिन के हिसाब से तो कुल काम 20 दिनों में कंप्लीट करता है तो आप ए को मान लीजिए या बी को मान लीजिए किसी एक को भी मान सकते हैं कि वो 12 घंटा प्रतिदिन अगर काम करता है तो कुल काम 20 दिनों में कर लेगा ए भी वही टाइम ले रहा है और बी भी वही टाइम ले रहा है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरीके से बात को समझना है दोस्तों तो हम अगर मान के चलते हैं कि ए जो है वो एक दिन में बारह घंटा काम करता है तो कुल cool जो है काम को कंप्लीट करने में बीस दिन लगते हैं तो बीस से आपको गुणा कर देना और टोटल जो टाइम है वो निकल जाएगा तो बीस गुने बारह अगर करते हैं तो बारह गुना चौबीस यानी दो सौ चालीस घंटा टोटल टाइम लगता है तो यानी कि एक दिन में बारह घंटा काम करता है टोटल तो बीस दिन है तो बीस गुने बारह करते हैं तो दो सौ चालीस घंटा कुल काम करता है बी भी, भी वही काम करेगा दो सौ चालीस घंटा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ईच वर्किंग अलाउन ठीक है हर एक जो है वो अकेले अगर काम करता है तो वही टाइम लेता है अब आगे में बढ़ते हुए चलते हैं और ये क्वेश्चन क्या करता है कि इट वॉज डिसाइडेड डेट ए एंड बी वुड बी वर्किंग फॉर एट एंड सिक्स आवर्स पर डे वो भी ऑन अल्टरनेट डे अल्टरनेट डेज पे करता है और ए से स्टार्टिंग होता है तो अगर हम मान के चलते हैं कि ए बी ए बी कुछ इस तरीके से काम किया जाता है और ए जो है वो एक दिन में आठ घंटा काम करता है जबकि बी जो है वो एक दिन में छः घंटा काम करता है ध्यान से समझिएगा दोस्तों तो कुल लगातार दो दिनों में कुल चौदह घंटे का काम होता है तो कुल लगातार दो दिनों में कितने घंटे का काम होता है चौदह दिनों का काम होता है ये अल्टरनेट इसी तरीके से आगे चलता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 240 घंटे का टोटल काम करना है 240 घंटे का टोटल काम करना है दो दिन में 14 घंटे का काम हो रहा है तो 14 से अगर हम भाग कर देते हैं चौदह से हम भाग कर दें तो कितना बार में ये चला जाएगा तो चौदह एकम चौदह होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक जीरो जीरो और चौदह पाँच सत्तर चौरासी अंठानवे तो छक्के चौरासी सात अंठानवे तो यहाँ पर सत्रह बार में ये अंठानवे जा रहा है और रिमाइंडर में कितना बच रहा है दो बच रहा है यानी दो घंटा जो है वो बाकी का रिमाइंडर में बच रहा है जबकि सत्रह बारह में ये चला जा रहा है ठीक तो ये सत्रह बारह में जा रहा है तो सत्रह बारह में का मतलब कि ये चौदह घंटा जो है वो कुल दो दिनों का है दो दिनों का टोटल चौदह चौदह घंटा है तो ये जो सत्रह है इसका भी दो गुना करना होगा इसका भी दो गुना करना होगा क्योंकि ये तो ये सत्रह जो है वो जो है वो एक पेयर में आ रहा है सत्रह जो है एक पेयर में आ रहा है मतलब सत्रह पेयर है मतलब जोड़ा है दिनों का जोड़ा हो गया क्योंकि दो दिनों का चौदह घंटा हम लेके चल रहे हैं तो ये पेयर में आ रहा है तो इसका दो गुना करेंगे दिन निकल जाएगा तो सत्रह दुना चौंतीस यानी टोटल चौंतीस दिन लग गए और बाकी का जो दो घंटा बचा है वो दो घंटा लगेंगे तो दो घंटा बाकी का और लग जाएंगे तो चौंतीस दिन और दो घंटा यहाँ पर वही एक्स और वाई के वाई के फॉर्म में बताना है तो एक्स का मान कितना होगा चौंतीस और वाई का मान कितना होगा दो होगा तो दोस्तों बस ये कॉमन सा सेंस लगाना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो आप ऑप्शन नंबर जो सी है उसको आप देख सकते हो चौंतीस दिन और दो घंटे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है होप दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन थैंक यू